मैनेजर। यस चीफ। इंजन में ऑयल डाल। अभी रुको एक मिनट डालता हूँ। डाल दिया। बस हो गया, स्टार्ट करें से अब। ये यार चीप लगवा दी आपने। मैंने लगवा दी। केक मारने की तमीज नहीं है खुद में। अचार तू मार के दिखा। बस 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 रहने दे। हमारी पूरी टीम मारने में कच्ची है, मुझे माननी पड़ेगी। देख ऐसे मारते केक। क्या करवा दिया तूने इसमें? हो गई। क्या डाला तूने इसमें? ऑयल। कौन सा ऑयल? अभी तो डाला है ऑयल। कौन सा ऑयल? जो नील डब्बे के अंदर रखा था। वैसे वाले उसमें पेट्रोल थी। After leaving this college, finally, I don't want to leave this college, bro. But bye bye college. Yes. After a long time, we got it. We do so many hard work for this DME. What is this GME, bro? Are you mad? DME means Degree of Mechanical Engineering. Oh. Okay. Now we have to speak Hindi, bro. Wait, chutiya ho kya? We are in UK. What? Hum UK mein hain. Hum ye Hindi Hindi abhi nahi bol sakte. Jab India mein pahunche to bolna. Tab bol sakte hain. Abhi nahi bol sakte. Okay, okay. Lekin main to Hindi bolunga, bro. I don't like English. यश ब्रो, मैं भी हिंदी में कंफर्टेबल फील करता हूँ। जब हम दोनों हिंदी बोलने में कंफर्टेबल है तो हम अपना बीच में प्यार क्यों ला रहा है ब्रो? तो ठीक है, इंडिया पहुंचने के बाद हम अपनी हिंदी बोलेंगे। कम ऑन। एक सेकंड। व्हाट? हमने अपने कॉलेज को बाय तो बोला ही नहीं। ओह बाय बाय कॉलेज। बाय बाय। अब नहीं मिलेंगे जिंदगी भर। तो उससे फ्लाइट की टिकट बुक कर दो। हाँ वो 3 दिन पहले कर दी थी मैंने की थी। वेल डन, कम ऑन। बहुत टाइम हो गया यार। सलाम। खाओ। सारा दिन सोता ही रहता है। टाइम देखा, टाइम कितना हो गया? सूरज सर पे चढ़ गया। साला मुंह धोने को भी पानी नहीं है यार। इससे अच्छा तो हम अपने यूके में ही थे। अब क्या करना है भाई? कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। इंडिया बिना कुछ काम किए हम सर्वाइव नहीं कर सकते। यू आर राइट। इंडिया में बिना कुछ करे हम सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा स्वागत ही इतना शानदार हुआ है। फ्लाइट से उतरने के बाद टैक्सी वाला हमें बीच रास्ते पे छोड़ गया। पता ही नहीं कहाँ जाना है, कहाँ को जाना है। हमारी डिग्री कहाँ है? डिग्री कहाँ है? तेरे पास तो ही तो ही। हाँ है, बैग में है। कोई ना, इन डिग्रियों की मदद से हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। मिलके कसम खाते हैं कि हम इस दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी खड़ी करेंगे। ऐसे नहीं। ओके ओके डन। और हमारे सपने का जन्म आज हुआ है। अगर किसी चीज का जन्म होता है तो सबसे पहले क्या होता है? उससे पहले नाम रखे जाते हैं। तो नाम रखो अपने अपने। और हाँ एक बात ध्यान रहे, नाम कंपनी के हिसाब से होने चाहिए। नाम तो मैंने सोच रखे हैं। क्या नाम? से आपका नाम भोकाल, इसका नाम आशीष जयकाल, मेरा नाम मुकम्मो।
माफिया करो थोड़ी ना बना रहे हम, कंपनी खोल रहे हैं, कंपनी के हिसाब से नाम होने चाहिए। चीफ आप बताइए कुछ। चीफ? चीफ आपका नाम चीफ और आज से इसका नाम मैनेजर, और मेरा क्या रखोगे? और आज से तेरा एचआर। ठीक है चीफ, आज से हमारे तीनों नाम फिक्स हुए, आज से हम इन्हीं नामों के जरिए जाने जाएंगे। लेकिन यार मुझे चीफ वाली फीलिंग नहीं आ रही है। क्यों? तो चलो किसी अच्छे बिजनेस में अपनी कंपनी खड़ी करने के बारे में सोचते हैं। नहीं, कंपनी तो हम अपने इंडिया में स्टार्ट करेंगे, अपने तो अपने होते हैं। इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता, खासकर धंधे में तो कोई भी अपना नहीं होता। लेकिन चीफ फिर भी अगर हम अपने देश में कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हम जल्दी ग्रो कर पाएंगे, नहीं तो हमें औरों की तरह विदेशों में कंपनी खोल के ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और दूसरी बात, फॉर्म लेके मन भी भर गया है। तो चलो फिर कोई अच्छी जगह सर्च करो जहाँ हम अपना स्टार्टअप कर सकें। मेरे रिसर्च के अनुसार तुम जहाँ कंपनी खोलोगे वहीं चलेगी। इसकी रिसर्च के अनुसार बात मानने से ये होता है, इसने हमारे कॉलेज के वॉचमैन को बिजनेस का आइडिया दिया था, बोला था तुम कॉलेज के सारे लौंडों को चरस गांजा अफीम बेचा करो, और एक दिन उन सारे लौंडों के साथ कॉलेज में प्रोफेसर भी आ गया। वॉचमैन ने एक जादू की पुड़ी उस प्रोफेसर को भी दे दी। उसी दिन सारी बात फैकल्टी में पता चल गई, कॉलेज वालों ने वॉचमैन को अरेस्ट करवा दिया। इसकी रिसर्च के अनुसार बात मानने से ये होता है। हम इसकी बात नहीं मानेंगे। फिर करेंगे क्या? लोकेशन कोई जल्दी सर्च करो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है मैं अभी रिसर्च करता हूं लोकेशन। चीफ मिल गई लोकेशन, आगे पीछे कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, दुकान छोटी है, मस्त काम चलेगा। दुकान? अबे यार हमें परचून की दुकान तोड़ने डालनी है, कंपनी खड़ी करनी है। तुम तो खुद तो खड़ा हो नहीं आता, कंपनी खड़ी करोगे? समझा ले से। सही तो कह रहा है। अरे चीफ मेरे कहने का मतलब ये है, अगर हम अभी से बड़ी कंपनी खोलने के बारे में सोचेंगे तो ना हम बड़ी कंपनी खोल पाएंगे और ना अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। और ये तो वही बात हो गई कि ना नॉर्मल तेल होगा और ना भाभी नाचेगी। तो फिर क्या करें? तो बता रहा हूँ सबसे सही रास्ता ये है कि पहले छोटा सा स्टार्टअप से शुरू करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कंपनी खड़ी करेंगे। तो चलो फिर उस दुकान के ओनर से बात करो। ठीक है मैं बात करता हूँ अभी। अरे यार टैक्सी तो यहाँ आई नहीं, पता नहीं कितनी देर में मिलेगी। ओ कितनी देर में आएगी टैक्सी? आगे टैक्सी आगे 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 अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब मरना है क्या? अरे भाई साहब यार हम टेम्पो रुकवा रहे हैं यार, तुम लोग चढ़ाई जा रहे हैं हमारे छाती पे आ रहे हैं। अरे भाई साहब ऑटो वाले सारे रुक जा। हाँ भाई क्या है? अरे चेक कर रहा था, चला कैसे लगता है ये? आ रहा हूँ रुक जा, अभी चेक कर रहा है साले तुम्हें। साले तीन दिनों से परेशान कर रहा है, धोखेबाज। अब भाई साहब बैठो आप, चला ले ले चलो यार, हमें हमारी दुकान पे जाना है। साल अगर किसी ने बकचोदी करी ना मार मारूंगा। तो किसी चलो भाई साहब कर ले। बस पैसे रोक दो रोक दो रोक दो, बस भाई साहब बस बस आई। ये लोकेशन हमारी। अबे यार एचआर कहाँ की है लोकेशन? साला तू 3 किलोमीटर चला लाया बियावन जंगलों में, शहर में उतरे थे यहाँ पर आ गई। बताएगा कहाँ की है लोकेशन? दिखा तो यहीं की रात देख रहा हूँ, लोकेशन तो यहीं की दिखा रहा है। फिर कहाँ गई है? वह लोकेशन है मिस्टर इंडिया का घर, मैं तो दिखाई नहीं दे रही यार। यहाँ कोई बिल्डिंग भी नहीं है। मैनेजर यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं है तो इसमें हमारा ही फायदा है, यहाँ पे सबसे पहले बिल्डिंग हमारी कंपनी खड़ी होगी। देखते हैं पहले लोकेशन देख लो, बिल्डिंग बाद में देख लेना। चलो मिल गई लोकेशन, यही है शायद, ये रही दुकान, सब चीज रेडी है एकदम। ये दुकान है ना? ये तेरी अम्मा का ससुराल है। इतनी फालतू बात मत कर, एक तो स्टोवर कंपनी बता रहा है, इसके आगे खोल खोल बात करिए। सालों औकात में नहीं हो, छोटी छोटी बात में लड़े जा रहे हैं। खोखा है कंपनी है तो हमारी ना। छपरी नहीं टपरी है, वो कुछ तो है। टपरी है छपरी है, पर इससे अच्छी है। अबे लड़ाई लड़ाई छोड़ो, काम की बात पे आओ। चलो क्या काम करना है देखो। चलो
चलो भाई अपना अपना काम देखते हैं यार, मुझे तो पहले रेस्ट करना है। मैंने थक गया यार, मैं तो मैं भी थक गया, मुझे भी थोड़ा रेस्ट करना। काम कर ले, बैठ पड़ो यहाँ पे, सोएगा, रेस्ट करना है। लो दोनों काम पे लग जाओ। मैनेजर जल्दी से काम कर ले, चुपचाप बॉस से बस के मुझे भी थोड़ा सोना है, आराम करना, जल्दी से काम करना चाहिए सारा। चीफ कोई कस्टमर तो है नहीं, काम क्या करें? कोई कस्टमर नहीं है तो एक काम करो, मेरे पैर दबा दो। आओ पैर दबा दे, पैर दबाने की डिग्री लिए क्या हमने? अरे भाई मैं कब कह रहा हूँ तुम पैर दबाने के लिए आयो, अब कोई कस्टमर ही नहीं है तो बताओ क्या करें फिर? भाई साहब साइकिल का हैंडल सही कर दो यार। क्या हो गया हैंडल में? टेढ़ा हो गया, सीधा करना है यार। चलो काम के लिए रो रहे थे, करो काम। आप पीछे वाला पहिया कौन? भाई तुम मेरी साइकिल सही कर दो ना। हाँ ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपकी साइकिल हम बिल्कुल नहीं कर देंगे। अरे भाई साहब हम मैकेनिकल नहीं रहे, विदेशी कॉलेज से आए हम। मैनेजर इन्हें हमारी डिग्री दिखाओ। भाई मुझे डिग्री वगैरह नहीं देखनी, मेरी तो साइकिल सही कर दो यार। तो ठीक है तुम्हारी साइकिल ठीक हो जाएगी। भाई तुम मेरी साइकिल सही कर दो ना, तो थोड़ा सा काम है वो करके आता हूँ। चलो ठीक है अपना काम करके साइकिल सही कर दे। चीफ हाँ क्या हुआ इसमें? चलने में थोड़ी दिक्कत कर रही है, उसका हैंडल टेढ़ा है। इसमें पार्ट है सेक्शन 13 फॉर्मूला 1 अप्लाई करो। ओके चीफ। ओके वैसे चीफ एक बात बोलूं? हाँ बोल। आप देसी लुक में जच रहे हो कतई। थैंक यू। जल्दी करो मैनेजर, जल्दी करो। भाई साहब ठीक हो गए हम? हाँ भाई तो हो रही है थोड़ी देर। अरे यार ये क्या कर दिया? अरे ठीक कर रहे हो क्या कर दिया? मेरी साइकिल का पोस्टमार्टम कर दिया तुमने तो। अरे भाई साहब घबराने की बात नहीं है, हमने इसमें एक फॉर्मूला लगाया है, ये आपकी साइकिल सही हो जाएगी, बस आपको थोड़ा सा चार्ज पे करना होगा। अभी हमारा मैनेजर आ रहा है, वो बताएगा आपको कितना बिल पे करना है, वो कर दो, आपको साइकिल आपकी 3 घंटे बाद मिल जाएगी। भाई साहब मुझे कुछ नहीं पता, मेरी साइकिल तो ऐसी चाहिए मुझे तो अपनी। जी भाई साहब आपका ये बिल है, आप जाकर रिसेप्शन में पे कर सकते हैं या फिर आप कैश दे सकते हैं, ज्यादा नहीं 10,700 देने। 10,700 इतने की तो मेरी साइकिल नहीं है, इतने का ढोल नहीं, उतने का मजीरा फोड़ दिया। मुहावरे में सुनाओ, इज्जत से बिल पे करो और साइकिल ले जाओ। चीफ बिल पे नहीं कर रहा, खाम का मुहावरे सुना रहा है। देखो भाई साहब साफ सीधी बात है, बिल पे नहीं करोगे तो आपको आपकी साइकिल नहीं मिलेगी। हमने तुम्हारी साइकिल में फॉर्मूला लगाया है, इसमें 10,750 का बिल बना है, 10,700 का 750 का है। 10,700 चलो 50 रुपए आपके लिए डिस्काउंट, पैसे पे करो उसके बाद अपनी साइकिल लेके जा सकते हो, नहीं तो नहीं मिलेगी साइकिल। भाई मेरी साइकिल जैसी थी वैसी कर दो बस। तो चुपचाप अपने घर जाओ, साइकिल नहीं मिलेगी। पहला काम है हमारा, उसमें हमारा पहला कस्टमर साला इतना चूक किया है कि हमारा पैसे ही दे रहा। चल भगवान तो पागल, निकल यहां से। भाई साहब ये बात बढ़िया नहीं है तुम्हारी, ये तुम्हारा खोगी खोका जो भी है ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये चला जा कस्टमर चला नहीं है, चाय का टाइम हो गया तेरा। ए यार चीफ तुम भी ये रहने दो, छोटी छोटी बातें बताओ, बारह मारते रहती हो। तुमने कहा था कंपनी होगी हमारी एक बड़ी सी, वहाँ कैंटीन होगी अपनी, चाय समोसे खाया करेंगे। तुमने एक कहां से खोआ खोल डाल दिया हमारे लिए, और एक चाय नहीं, समोसा तो बहुत दूर की बात है। चल रो मत, मंगा रहा हूँ चाय। बड़े हरामी है यार, एक तो साइकिल ले ली, मैं पैदल धूप में मर रहा हूँ, इतनी तेज घाम पड़ रही है धूप। इन्हें बताऊंगा, इन्हें का खोखा फोका सब पलटवा दूंगा, जिस भी से मुझे ऐसे भगा रहे हैं ये। और नितिन भाई साहब क्या हो गया? कुछ नहीं भाई साहब, मूड खराब है। जो रास्ते में 3 लोगों ने खोखा खोल रखा है, अपने आप को मैकेनिकल इंजीनियर बताते हैं, फर्जी है वो। मैं कैसे पता वो फर्जी है? मैं गया था साइकिल सही करवाने, इतने की मेरी साइकिल नहीं, इतने 10,700 का बिल बना दिया। मेरी साइकिल का खाली हैंडल टेढ़ा था, उसके चक्कर में पूरी साइकिल खोल दी। चलो मैं जाके देखता हूँ अभी उनको। तुझे लगता है हमारी कंपनी खड़ी हो पाएगी? हाँ मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है, मुझे पूरा भरोसा। किस बेस पे लगता है तुझे? हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के बेस पे। काय का सेल्फ कॉन्फिडेंस? फॉरेन में रहकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, सोचा था बड़ी कंपनी हासिल करेंगे, बहुत बड़ा स्टार्टअप होगा, एसी में बैठ के मस्त फाइल पे साइन किया करेंगे। अब देखो हमारा गेटअप देख के लगता है कि हम कोई मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ऐसा लगता है किसी गांव के पंचर बनाने वाले देसी मिस्त्री हैं हम लोग। भाई यार एक बात बताऊं, मैं तो परेशान हो रही यार तुम्हारे साथ, ये कंपनी कंपना खोके खोके जो भी है तुम्हारा से खोल के। डोंट वरी चीफ, घबराओ चीफ। चीफ लोग गरम गरम चाय, ट्रॉली की छपरी की।
लो मेरा सिर और हाथ जले जा रहे हैं, फटाफट फटाफट। अरे मैनेजर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जो एक गिलास कहाँ का रख के लेके आया साले। अरे नीचे वाली पकड़ लेते। आओ। अरे क्या होगा जी? साले मुझे मरवाने का प्लान है क्या तेरा? इसमें तीन मच्छर कहाँ से आ गए? ये चाय है, ये सालों ने मूड खराब करवा दिया। चाय पियेंगे चीफ, 350 रुपए दे दो और डॉली छपरी के पैसे देने चाय के। ये चेक ले जा चीफ। ये क्या बदतमीजी है, ये बात आपकी बढ़िया नहीं है। भाई साहब क्या दिक्कत है? अरे यार देखना है इसमें जरा, ये चलते चलते बंद हो जाती है। अच्छा लाओ चाय दिखाओ। भाई इसका इंजन खराब है। अरे भाई कल तो इंजन कराया है इसका, तो फिर इस इंजन का ऑयल खराब है। अरे ऑयल भी इसमें नया डलवाया कल यार, तो फिर ये बाइक खराब है। बाइक भी सही है तो भैंस के भूपाल लेके क्यों आए से? क्या परेशानी तो बता इसमें। भाई यार कहां से ले जा। अबे भाई यार इसमें प्रॉब्लम तो देख, बात बता भाई क्या परेशानी है तुझे? अरे ये चलते चलते बंद हो जाती है। चलते चलते बंद हो जाती है, मेरा मैनेजर बोल रहा है इसका इंजन खराब है, पूरी बाइक खराब है, फिर भी तू किसी बात पे अड़ नहीं रहा है। सब चीज सही है तो लेके क्यों आता है यहाँ पे तू? हेड दूरा है, प्रॉब्लम देखने इसमें क्या है। इंजीनियर तू है, मैं हूँ। सॉरी सर। बट सर इसमें प्रॉब्लम क्या है आप बता सकते हैं क्या? अरे चलते चलते बंद हो जाती है, प्रॉब्लम यही है इसमें। अबे यार जब चलते चलते बंद हो जाती है तो चलाते है क्यों? तुझे खड़ी कर देना। चलते चलते बंद हो जाती है। अबे फिर किस बात का इंजीनियर है तू? तेरे को प्रॉब्लम नहीं पता इसमें क्या है? किस बात का कोर्स किया है तूने? सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर। अबे तुम तो अपने आपको मैकेनिकल इंजीनियर बताते हो, कोई डिग्री विग्री है? फर्जी है बिल्कुल। ए जबान सवाल क्या करो, डिग्री की बात नहीं है हमारी, रेपुटेशन की कोई बात होती है? रही बात डिग्री की तो हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेज फ्रॉम यूके से पढ़ाई करी है, और सको तो कहीं भी जाके पूछ लेना। डिग्री दिखाओ। एक मिनट, कहाँ है तुम्हारी डिग्री? लेके आओ जल्दी, देखता हूँ। एक घंटे से तुम लोगों को समझा रहा हूँ, तुम्हें कुछ पता ही नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है। अभी दिखा दे तुम्हें डिग्रियाँ। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मैनेजर तुमने तुम्हें पागल समझ रखा है, तुम्हारी लोकेशन में आके हमने ये कंपनी खोली इसलिए। आपकी ये नहीं डिग्रियाँ, लो कहीं भी जाके चेक करवा लेना। बहुत जल्द लौटूंगा। हाँ चल जा। ऐसा ये डिग्री चेक करना, चला क्या करना आज? अरे चेक करना भाई साहब, ये ओरिजिनल है, नोकल है, चेक करना इन्हें। ठीक है। फर्जी भाई साहब ले जाओ। मुझे पता था ये नोकल है। अब कुछ नहीं हो सकता। ओ फर्जी इंजीनियर हो, अच्छा तुम्हारा खेल खत्म। ये लो अपनी डिग्रियां। तो